हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप ही लोगों में से बहुत लोगों का मैसेज है कि बहुत लोगों ने, आप लोगों ने प्रोफेशन लिखा है अपना और बताया है कि इसका क्या स्किल लेवल होगा, हम कैसे अपना लेवल जानेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि हम कौन से स्किल लेवल पे आते हैं, क्या है। तो इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे दो कैटेगरीज मैं शुरू से बताने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि पहले भी मैंने बताया है लेकिन बहुत लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है और न्यू व्यूअर्स भी हैं, उनके लिए ही ये वीडियो मेनली है। दो कैटेगरीज की गई है, एक है स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड। स्किल्ड वो लोग होते हैं जिनके पास डिग्री डिप्लोमा होती है। कुछ केसेस हैं जिनसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप स्किल्ड में आते हैं या अनस्किल्ड में आते हैं। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस लेवल पर आते हैं या कौन से कैटेगरी पे आते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड। स्किल्ड कैटेगरी वो है जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा या हायर सेकेंडरी की एजुकेशन है, ये लोग आते हैं स्किल्ड कैटेगरी में। अनस्किल्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट्स नहीं है या हायर सेकेंडरी से कम तक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास है, वो लोग अनस्किल्ड में आते हैं। 8th पास 10th पास 11th पास अप टू 11th पास जो हैं वो अनस्किल्ड कैटेगरीज में आएंगे। 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए से लेकर डिप्लोमा, आईटीआई, डिग्री, मास्टर डिग्री, ये सारे लोग आते हैं स्किल्ड कैटेगरी में। अब जो लेवल्स किए गए हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, इसको आप लोग कैसे जानेंगे, ये भी डिपेंड करता है आपके सर्टिफिकेट पे, आपकी सैलरी पे और आपका अटेस्टेशन है कि नहीं है। तो लेवल 1 जो है वो हाईली प्रोफेशनल जो स्किल्स होते हैं उनके ऊपर है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब जो लोग हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ये सारे लोग आते हैं स्किल 1 पे। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, जिनके पास डिग्री और मास्टर डिग्री है वो लोग इस लेवल पे आएंगे और इनकी सैलरी जो है 12K दिरहम से, यानी कि 12,000 दिरहम से अबव की होनी चाहिए, वो लोग स्किल लेवल 1 पे आते हैं। स्किल लेवल 2 जो है वो मेनली होता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, इनके लिए होता है लेवल 2। इनकी जो सैलरी है वो 5,000 दिरहम से लेके 8,000 दिरहम, यानी कि 5,000 दिरहम से लेके 8,000 दिरहम तक की होनी चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 जो है, जो लोग 12th पास हैं, 12th पास का सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लेवल 3 में आएंगे। इनकी जो सैलरी रेंज है वो 4,000 दिरहम से 5,000 दिरहम की होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो अनस्किल्ड आ जाते हैं वो लेवल 4 और लेवल 5 में आते हैं अनस्किल्ड। ठीक है, तो जिनकी सैलरी बिलो 4,000 दिरहम है यूए में, ये बेसिक सैलरी नहीं है, ये पूरा मिला के जो सैलरी होता है, ग्रॉस सैलरी, उसकी मैं बात कर रही हूँ, ना कि बेसिक सैलरी की। ठीक है, अच्छा, 4,000 या उससे नीचे की जो सैलरी आती है वो अनस्किल्ड की आती है और ये है लेवल 4 और लेवल 5। इसमें बहुत लोगों ने पूछा ड्राइवर आपका इसी कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आपने पूछा हेयर ड्रेसर या बार्बर, या और एक बंदे ने पूछा है क्लीनर, वो सारे इसी कैटेगरीज में आएंगे। अच्छा, एक ने पूछा है सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो देखिए, 2-3 तरीके के सिक्योरिटी गार्ड के जो लाइसेंस हमें मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपका एक होता है डिप्लोमा आपने किया हुआ होता है और एक होता है कि आपका 12 से कम की क्वालिफिकेशन है। तो सिक्योरिटी गार्ड भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है उसमें तो आप लेवल 3 में आते हैं, यानी कि स्किल्ड लेवल पे आते हैं, और डिप्लोमा होल्डर नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे आके सिरा का लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है, तो आप आते हैं अनस्किल्ड में। ठीक है, जो कि लेवल 4 और लेवल 5 होता है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं और कौन से लेवल पे आप आते हैं ये भी देख सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगी, आपका स्किल लेवल या आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।